नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं मेरा म्यूजिटेक चैनल संजीत। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, पूरी तरह से डिजिटल साउंड प्रोसेसर के बारे में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने अगर सिंगिंग का शौक़ है तो आप वोकल को सेटिंग कैसे करेंगे और किन किन चीज़ों को कितना इस्तेमाल करना चाहिए। आज पूरी वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका परिचय करवाता हूँ आपको कि कौन से नोब या कौन से भोलम किस काम के लिए दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पीछे की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिख रहा है एसी इन, या एसी इन है यानी तो आप इस पे पावर इन कर सकते हैं। ये सप्लाई, ये मेरा फ्यूज़ है और ये मेरा मिक्स आउटपुट है, यानी जब जब भी हम इसमें अफेक्ट यूज़ करेंगे तो हम इस पे आउटपुट लेंगे। और अगर हम आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आप इफेक्ट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इस पे इन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप आउटपुट इस पे ले सकते हैं। तो ये पीछे का इतना सारा काम है। तो हम जब भी अगर इफेक्ट वगैरह रिवर्ब वगैरह यूज़ करेंगे तो आप आउटपुट हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से आउटपुट लेंगे। और इसके बाद आपको आगे बताते हैं। देखिए, आपको अगर वॉल्यूम वगैरह अच्छी तरह से दिखाई देता होगा तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ माइक 1 और ये उसकी है फेमेलो जैक है। आप इस पे आप माइक इनपुट कर सकते हैं। और ये तो एक का है, दूसरी का पर्सनल वॉल्यूम, माइक 2 का भी पर्सनल वॉल्यूम दिया हुआ है। और आपको दिखता होगा यहाँ पे आपको एलईडी है, या आप जैसे आप लाइट कनेक्शन कीजिएगा तो ये आपका एलईडी में सिग्नल दिखाई देगा। और जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपका -20, -10, -30, ये आपका माइक का जो साउंड लेवल है वो आपको सिग्नल के तहत आपको दिखाई पड़ता है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ अप और बटम, ये भी आप किस चीज़ को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ में से, वो आपको इसी से सेलेक्ट करनी है, ये अप डाउन करके। और इसके बाद आपको दिखाई देता होगा ये है पारा। पारा, जब भी पारा का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़, कोई भी अगर वोकल हम इनपुट करते हैं या माइक से बोलते हैं तो आवाज़ में आपको थोड़ा सा गर्माहट टाइप से सुनाई, यानी फीलिंग महसूस होगा, या लगेगा कि हम किसी रूम के अंदर से बोल रहे हैं। उसके बाद रिवर्ब, रिवर्ब कभी कभी आपने सुना होगा दोस्त, कि जब अब भी हम कहीं पे खाली जगह पे कोई सिंगिंग करते हैं या गाना गाते हैं तो ये आवाज़ हमको उतना अच्छा से नहीं सुनाई देता है, लेकिन जब हम वही गाना हम किसी अगर बाथरूम में जाके गाते हैं तो वहाँ पे सुनने में कुछ अच्छा टाइप से लगता है। वो अच्छा इसलिए लगता है कि वो रूम खाली होता है और मेरा ही आवाज़ दीवार से टकरा के या रिटर्न होके वो हमको अच्छी तरह से सुनाई पड़ता है, जिसके वजह से वो अच्छा सुनाई देता है। अब इसके बाद दोस्तों, ये है टोन। टोन भी आपको एक तरह से वोकल मिक्स में बहुत काम आता है। यह भी आपको टोन थोड़ा बहुत, जो भी आपका जो मेन वॉइस है उसको आप टोन अगर हाई लो कीजिएगा तो आपको थोड़ा डिफरेंट साउंड सुनाई देगा। तो टोन भी आप यूज कर सकते हैं। और मैं रिवर के बारे और बताना चाहूँगा कि रिवर बहुत प्रकार के होते हैं, करीब 5 प्रकार को आपको रिवर मिलेगा। लेकिन जब आप बेसिकली ये जो मिक्सर या साउंड प्रोसेसर बनाया गया है ये सिर्फ ओनली फॉर वोकल के लिए बनाया गया है। आप इस पे सिर्फ माइक यूज़ कर सकते हैं, या आप देखे होंगे प्रोग्राम वगैरह में जो भी सिंगर या लाइव शो होता है तो वो पर्सनल क्या बोलते हैं सिंगर माइक के लिए एक स्पेशल आपका इको इफेक्ट यूज़ किया जाता है। तो वो यही होता है, आप और भी कंपनी के यूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लो प्राइस में अगर ख़रीदना चाहते हैं तो यह सबसे लिए आपके बेटर होगा, चीफ एंड बेस्ट कह सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाई देता है यह टाइम। दोस्तों, क्या है कि अपनी वोकल जब भी हम इनपुट करते हैं तो सॉन्ग में बहुत सा ऐसा चीज़ होता है कि जो भी ऑपरेट करता है, साउंड ऑपरेट करता है, तो ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए कि हमको कितना, कब किस वॉल्यूम को कितना ऑन करना चाहिए, कब ऑफ करना चाहिए, ये तो वो उनको पता होता है। तो साउंड में क्या, वोकल में भी हमारी आवाज़ बहुत तरह के, कभी हाई लेवल इको खोलना पड़ता है तो कभी कम टाइम में ही समाप्त कर दिया जाता है मेरा आवाज़ को। तो वो सब अगर आपको ऑपरेट करना नहीं आएगा तो आप इसको अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या है कि फीडबैक, फीडबैक के बारे में बताना चाहूँगा दोस्त, कि जब भी हम कुछ, कभी कभी आपने अगर जंगल उंगल का सैर किए होंगे या कहीं पे, तो आपको पता चला होगा कि जब आप कस के बोलते हैं तो आपकी आवाज़ को गूंजता हुआ सुनाई देता है बाद में। उसके बाद बताना चाहेंगे कि इको, यहाँ पे दिखाई देता होगा आपको इको। इको का मतलब है कि दोस्तों, आप जब भी कुछ बोलते हैं, एक बार बोलते हैं तो आवाज़ रिटर्निंग हमको जितना चाहें हम इको खोल के उसका रिटर्निंग ले सकते हैं। जैसे एक बार हम किसी वॉइस को बोलते हैं तो वो दोबारा हमको सुनाई पड़ता है, तो वो बस इको का ही कमाल होता है।
उसके बाद बास ट्रेबल तो आपको पता ही होगा कि अगर हमको मोटा से आवाज़ चाहिए, अपने वोकल में आवाज़ बेस चाहिए, तो हम बेस बढ़ा सकते हैं, ट्रेबल बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये आपका जो स्विच दिया हुआ है ये ऑन ऑफ है, ये पावर ऑन ऑफ है। और उसके बाद एक सबसे मेन चीज़ है दोस्तों कि हम देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ, 1 से 5 तक नंबरिंग किया हुआ है, सारे को लिखा हुआ, मतलब यहाँ देखिए रिवर्ब प्लस कोरस प्लस इको, यानी जब हम इस अपना नॉब को 1 नंबर पे रखेंगे, ये देखिए ये है राउंड है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 1 नंबर पे रखेंगे तो आपको ये 1 नंबर वाला ही काम करेगा, रिवर्ब प्लस कोरस प्लस इको, अब ये 1 नंबर पे। अब दूसरी बार में क्या है कि दोस्तों कभी कभी हमको जब सिंगिंग करते हैं या बोलते हैं तो हमको लगता है कि मेरा आवाज़ 2 बार सुनाई देना चाहिए, तो क्या है कि उस टाइम हमको ये 2 नंबर पे अपना ये करना पड़ेगा नोब को, दो दो नंबर पे। उसमें क्या होगा कि रिवर वही मिलेगा, कोरस वही मिलेगा, लेकिन जब इको में इको होगा तो वो 2 बार मेरा वोकल सुनाई देगा। और उसके बाद है रिवर इको 3 है, आप उस 3 बार लेना चाहें तो 3 बार होगा। उसके बाद आपको इको 2, यानी सिर्फ सिर्फ इको है इसमें, आप इको आपको 2 बार सुनाई देगा, अपनी आवाज़ 2 बार सुनाई देगा। और 5 5 नंबर में आपका 3 है तो आपको 3 बार। तो आइए चलते हैं, आपको कनेक्शन सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद और ट्राई करके दिखा देंगे आप कैसे इसको कितना क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पावर इनपुट करेंगे, तो सबसे पहले हम पावर अपना कनेक्शन कर देते हैं, ये मेरा पावर आ गया है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि 6 mm का जो हम जिस चीज़ से भी आउटपुट ले रहे हैं, चाहे हम होम थिएटर आउटपुट ले रहे हैं या कोई भी मेरा एम्पलीफायर है, तो उसका आउटपुट हम पीछे से देंगे, आपको बताया थे मिक्स आउटपुट। उसके बाद क्या है कि हम अपना माइक का जो है इनपुट डालेंगे, ये मेरा माइक है और देख रहे हैं आप ये मेरा डबल माइक है, एक ही प्रोसेसर मेरा डबल माइक है, तो हम इस पे आउटपुट लिए हैं अपना माइक को। उसके बाद हम आप इनपुट कर देंगे, चाहे किसी भी में कर दे, चाहे 1 नंबर पे या 2 नंबर पे, आप अपनी मर्जी। तो चलिए हम 1 नंबर पे इसको इनपुट कर देते हैं। उसके बाद क्या है कि चलते हैं हम अपना एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, तो आपने सनसनाहट सुनाई देती हो गया, हमने अपना एम्पलीफायर ऑन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम पावर ऑन किए थे, यहाँ कोरस रिवर्ब आपको दिखाई, आप जिस चीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ रिवर्ब 2, आप जो भी करना चाहते हैं, या रिवर्ब कोरस रिवर्ब एक साथ लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको ऑन कर, माइक ये मेरा माइक है, माइक ऑन करके देखते हैं। हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो चेक। तो दोस्तों जो भी अभी आपको आवाज़ सुनाई देता होगा वो एकदम नॉर्मल आवाज़ है, सिंपली बिना इफेक्ट के। तो चलिए अब हम धीरे धीरे इफेक्ट खोलते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट खोलेंगे दोस्तों कि इको इको, आप अगर नॉर्मली अगर आप अगर स्पीच देना चाहते हैं तो 1.5 या 1 1 ये खोल सकते हैं, और अगर आप सिंगिंग अगर करना चाहते हैं तो हार्डली आप सिंगिंग के लिए 20 या 2.5 आप ऐसे खोल सकते हैं, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं इसको, आपको जितना लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम इको खोल देते खोल हैं, देते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी से टू पॉइंट फाइव या वन या पॉइंट वन फाइव पॉइंट फाइव या टू जीरो टू जीरो है ना, तो है ना, आपको तो अपनी आपको मर्जी अपनी से। मर्जी से उसके बाद उसके क्या बाद करना क्या है करना है कि कि आपको आपको फीडबैक भी फीडबैक खोलनी भी है खोलनी है थोड़ी सी, थोड़ी सी, ये भी ये भी लगभग लगभग टू टू पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव के के आसपास आसपास ही। ही। हेलो हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो चेक। अब अब उसके उसके बाद बाद अगर अगर आप आप चाहते चाहते हैं हैं और और अच्छे अच्छे से से अपने अपने वोकल वोकल बनाना बनाना या या और और अच्छे अच्छे से से उसको उसको चाहते चाहते हैं हैं कि कि आप आप सेटिंग सेटिंग करना करना हो, हो, तो तो आप आप पारा पारा खोल खोल सकते सकते हैं हैं धीरे धीरे धीरे। धीरे हेलो हेलो चेक। चेक। उसके बाद आप रिवर भी खोल सकते हैं, आपको चाहे कि आपकी आवाज़ गुलती हुई सुनाई, कुछ अच्छी से फीलिंग हो तो आप उसको रिवर भी खोल सकते हैं। हेलो हेलो डिस हेलो हेलो डिस तो आपको ये सुनाई दे रहा होगा। और जब भी हम बोलते बोलते हैं हैं तो तो देखिए देखिए यहाँ यहाँ पे पे आपको आपको सिग्नल सिग्नल दिखाई दिखाई देता देता होगा, होगा, और और क्या क्या है है कि कि ये ये दिखाता दिखाता है है कि कि आपको आपको कितना कितना बोलना बोलना चाहिए। चाहिए। तो तो नॉर्मली नॉर्मली आपको आपको जीरो जीरो तक तक ही ही रखिए, रखिए, और और अगर अगर आप आप कभी कभी भी भी फुल भोलम खोल के नहीं बोलना चाहिए या या सिंगिंग सिंगिंग नहीं नहीं करना करना चाहिए, चाहिए, इससे इससे आपका आपका आवाज़ आवाज़ कटता कटता है है और और दब दब भी भी सकता सकता है। है।
तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं, आप टोन भी खोल सकते हैं। हमने बताया था कि आप इको टू में करेंगे तो आपको दो बार इको सुनाई देगा। हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक देखिए आपको गूंजता हुआ एक ही आवाज कई एक बार आपको सुनाई देगा। हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो चिक हेलो डिस हेलो डिस हेलो डिस हेलो चिक चिक हेलो चिक चिक। अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो बेसिकली आप रिवर कोरस और इको एक ही नंबर पे रखें और आप सिंगिंग कर सकते हैं। तो चलिए कोई गाना आपको हम सुनाते हैं। मुस्कुराने और अगर आप चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को लंबा खींचे तो आप इको और बढ़ा सकते हैं। जैसे जिया जाए ना जाए ना और पिया इससे क्या है कि आपकी आवाज़ और बेटर होगी। या कभी कभी आपने सुना होगा कि सुनने पे लगता है कि सिंगर इतनी लंबी सांस कहाँ से ले पाता है। तो दोस्तों वो साउंड का भी कमाल होता है, उस साउंड से भी उसकी आवाज़ को इधर उधर इफेक्ट के द्वारा खींचा जा सकता है। तो ये चीज़ आप जब तभी आप कर पाओगे जब इसको आपको ऑपरेट करना अच्छी तरह से आता हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सब, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए लेते हैं विदाई। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मेरा बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो वीडियो आपको मिले। दोस्तों और लेते हैं विदाई। जय हिंद।